हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूं कैसे आप अपने जीमेल में आप जो अनवांटेड मेल आपके पास आती हैं, जो प्रमोशन की मेल होती हैं और जो मेल आपको चाहिए नहीं, वो आप मेल कैसे ब्लॉक कर सकते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। फ्रेंड्स, ये मैं आपको जीमेल और रेडिफ मेल में बताऊँगा। पहले मैं आपको जीमेल में बताता हूँ ये कैसे ब्लॉक करते हैं। तो फ्रेंड देखिए, मैं अपनी जीमेल ओपन करता हूँ। तो फ्रेंड देखिए, मैंने अपनी जीमेल ओपन कर रखी है। फ्रेंड इसमें देखिए, प्राइमरी मेल्स, सोशल मेल्स और प्रमोशनल्स मेल्स हैं। फ्रेंड इसमें जैसे मैं जो मेरे पास मेल्स हैं, हो सकता है मैंने कभी ये गलती से सब्सक्राइब कर दी हो, तो फ्रेंड ये सब्सक्राइब कैसे हटाएंगे इसमें हम, कि हम जो अनसब्सक्राइब कैसे करेंगे दोबारा मेरे पास वो मेल ना आए। और फ्रेंड जो आपने सब्सक्राइब नहीं किए, कुछ मेल वैसे भी आ जाती हैं ऑटोमेटिकली, तो फ्रेंड उसको हम ब्लॉक कैसे करें ये फ्रेंड मैं आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड देखते हैं। देखिए फ्रेंड, जैसे मैंने प्रमोशनल खो रखा है और मैं इसमें एक कोई मेल ले लेता हूं, जैसे मैं ये वाली मेल ले लेता हूं और जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूं, तो फ्रेंड इसमें देखिए, इसमें आप नीचे देखेंगे तो आपको फ्रेंड इसमें एक नीचे ही आपको एक आइकन मिल जाता है अनसब्सक्राइब का। हो सकता है मैंने कभी ये सब्सक्राइब किया हो, तो मुझे अनसब्सक्राइब ये करना है, तो हम यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो ऐसे फ्रेंड आपको कहीं ना कहीं अनसब्सक्राइब का ऑर्डर मिल जाएगा जब आप मेल खोलेंगे। और यहाँ से फ्रेंड ये आ रहा है अनसब्सक्राइब। देखिए फ्रेंड ये, तो फ्रेंड ये अनसब्सक्राइब, ये फ्रेंड मेरे इसमें से अनसब्सक्राइब हो गया है। और फ्रेंड ऐसे ही आप देखिए, मैं कुछ ये अब मेरे पास इसकी मेल नहीं है क्योंकि मैंने यहाँ से इसको अनसब्सक्राइब कर दिया। अब मैं दोबारा जैसे जाता हूँ और दोबारा प्रमोशन में जाता हूँ। और फ्रेंड इसमें आप देखेंगे, अब मैं कोई दूसरा आपको बताता हूँ, जैसे मैं कोई दूसरा मैं लेता हूँ, जैसे मैं आपको अनसब्सक्राइब आप करना चाहते हैं और कैसे करेंगे। एक तो डायरेक्ट आपके पास अनसब्सक्राइब हो सकता है, अगर ऐसे भी हो सकता है। और फ्रेंड जैसे मैं एक ये मेल लेता हूँ और इसको मैं ओपन करता हूँ, ये कभी मैंने सब्सक्राइब किया होगा, तो जैसे मैं नीचे आऊँगा तो फ्रेंड यहाँ पर भी एक अनसब्सक्राइब का बटन कहीं ना कहीं मिल जाएगा। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पर भी अनसब्सक्राइब का बटन है, इसको यहाँ से आप अनसब्सक्राइब कर दें। जैसे मैं अनसब्सक्राइब करता हूँ इसको, तो फ्रेंड देखिए ये मुझे ये पूछ रहा है कि रीज़न पूछ रहा है। तो इसमें फ्रेंड आप जो आपको रीज़न डालना है वो आप डाल सकते हैं। इसमें मैं जैसे रीज़न डालता हूँ और उसको अनसब्सक्राइब कर देता हूँ, तो फ्रेंड देखिए ये भी अनसब्सक्राइब हो गया। तो ऐसे आप जो आपने गलती सब्सक्राइब कर दिया है या आपको अब नहीं चाहिए, वो आप ऐसे अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताता हूँ कैसे आप मेल को ब्लॉक करेंगे। दोबारा क्लिक करता हूँ और आपको पता है कि ये मेल बार बार आ रही है, मैंने अनसब्सक्राइब कर दिया है फिर भी आ रही है। तो फ्रेंड जैसे फ्रेंड ये मेल आईडी है, तो आप क्या करेंगे फ्रेंड, जब आप मेल खोल लेंगे उसके बाद आप यहाँ पर राइट हैंड साइड में देखेंगे थ्री डॉट्स आपको मिलेंगे, उसमें आप नीचे क्लिक करेंगे तो फ्रेंड इसमें आपको ऑप्शन मिलेगा ब्लॉक, जैसे मैं ब्लॉक कर दूंगा। और देखिए फ्रेंड ये ब्लॉक बोल रहा है, यहाँ से आप ब्लॉक कर देंगे तो फ्रेंड ये मेल आपके पास दोबारा नहीं आएगी। फ्रेंड ये यहाँ से आप बंद कर देंगे तो ये आपकी मेल, जौन जौन सी आपको मेल चाहिए आप ऐसे ब्लॉक कर सकते हैं। और ऐसी फ्रेंड अगर आपको कोई मेल सारी डिलीट करनी, पुरानी मेल्स भी डिलीट करनी, तो फ्रेंड आप क्या करेंगे फ्रेंड, आप इसको यहाँ से कुछ जैसे आपको जिस मेल आईडी को आपको सर्च वाले ऑप्शन में डाल दीजिए। अब जब यहाँ पर आप इसको डाल देंगे और एंटर करेंगे तो फ्रेंड ये सारी मेल्स आपकी इस नाम की जो भी आई होंगी आपको दिख जाएगी और यहाँ से आप ये सारी मेल डिलीट कर सकते हैं। आप सिलेक्ट ऑल करें और यहाँ से आप डिलीट कर देंगे, तो फ्रेंड इससे क्या होगा, आपकी जो आपको अनवांटेड आपकी मेल थी वो सारी आपकी डिलीट होगी। फ्रेंड ये तो मैंने आपको जीमेल बताया, अब मैं आपको बताता हूँ कैसे आप रेडिफ में अगर आपकी मेल आईडी है वो आप ब्लॉक करनी है किसी की मेल आईडी, तो वो कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड। तो फ्रेंड देखिए, मैं गूगल क्रोम ओपन करता हूँ और मैंने इसमें अपनी रेडिफ मेल आईडी ओपन कर रखी है। फ्रेंड जैसे मैं इसमें कोई मेल मैं एक ले लेता हूँ, जैसे मैंने एक मेल ओपन की है। फ्रेंड मैं चाहता हूँ कि ये मेल मुझे ब्लॉक करनी है, तो फ्रेंड आप क्या करेंगे, आपको पहले सबसे पहले तो ये आईडी को आपको सिलेक्ट कर लेना है और इसे कॉपी कर लेना है। आप कॉपी कर लेंगे और फ्रेंड्स आप यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड में सेटिंग का ऑप्शन है, आप सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पर मैनेज मेल होगा, इसमें आप क्लिक करेंगे और फ्रेंड्स इसमें ब्लॉक अनब्लॉक सेंडर होगा। फ्रेंड इसमें आप क्लिक करेंगे और जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने ये ब्लॉक बन जाएगा। इसमें आप क्या करिए फ्रेंड, राइट क्लिक करके इसमें आप इसको पेस्ट कर दीजिए, जो आपने लिंक जिसको आपको ब्लॉक करना है इसको यहाँ से सिलेक्ट करिए, यहाँ पर पेस्ट करके इसको ब्लॉक कर दीजिए। और फ्रेंड देखिए यहाँ से ये चला गया, तो ये ब्लॉक हो गई। फ्रेंड अब आपको कुछ नहीं करना है, अभी आपकी अभी इस आईडी से आपके पास मेल नहीं आएगी क्योंकि ये ब्लॉक हो चुकी है। ऐसे ही फ्रेंड आपको अगर कौन सी मेल आईडी आपको चाहिए वो आप सिलेक्ट करके कॉपी करें और वहाँ पर पेस्ट करके और ब्लॉक कर दें। तो फ्रेंड आज मैंने आपको जीमेल आईडी ब्लॉक कैसे करते हैं और रेडिफ मेल आईडी ब्लॉक कैसे करते हैं ये दोनों चीज़ बता दी। तो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच, आज मुझे आपको यही बताना था। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।